हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें। राजस्थान सरकार ने रखा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 2.5 गुना बढ़ाने का लक्ष्य, लोगों से लेंगे सुझाव। खबर है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने साल 2030 तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 14.14 लाख करोड़ से करीब 2.5 गुना बढ़ाकर 35,71,000 करोड़ करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि मिशन 2030 के लिए अर्थशास्त्रियों, पत्रकारों, विद्यार्थियों, सरकारी कर्मचारियों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं समेत 1 करोड़ प्रदेशवासियों से सुझाव मांगे गए हैं। एप्पल ने चार्जिंग पर लगे हुए आईफोन के पास सोने को लेकर जारी की चेतावनी। खबर है कि एप्पल ने चार्जिंग पर लगे हुए आईफोन के पास सोने को लेकर चेतावनी जारी की है। एप्पल ने कहा कि जब डिवाइस पावर अडेप्टर, वायरलेस चार्जर, पावर सोर्स से कनेक्टेड हो तो इसके पास मत सोइए और ना ही इस दौरान डिवाइस को कंबल या तकिए के नीचे रखिए, इससे आपका फोन गर्म हो सकता है। एप्पल ने कहा कि चार्जिंग या इस्तेमाल के दौरान फोन पावर अडेप्टर या वायरलेस चार्जर वेंटिलेटेड जगहों पर रखें। आपको बता दें कि इन्हें फॉलो ना करने पर आईफोन में आग लग सकती है और आईफोन खराब हो सकता है और करंट भी लग सकता है। हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली कोच को किया गया सस्पेंड। खबर है कि हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली जूनियर एथलेटिक कोच को सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि 11 अगस्त को जारी हुए सस्पेंशन ऑर्डर में इसका कारण नहीं बताया गया है। कोच ने कहा था कि मंत्री ने मेरे पैर पर हाथ रखकर कहा कि तुम मुझे खुश रखो, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। उन्होंने कहा कि मेरी टी शर्ट भी फाड़ी। सर्वे में हुआ खुलासा, नौकरियों की तुलना में कारोबार को अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं भारतीय। लोकल सर्किल के एक सर्वे के मुताबिक 10 में से 7 भारतीय नौकरियों की तुलना में अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना पसंद करते हैं। वहीं 44% इसे बेहतर विकास संभावनाओं की पेशकश करते हैं। 379 जिलों में किए गए इस अध्ययन में भारत में भविष्य के व्यावसायिक अवसरों पर सकारात्मक दृष्टिकोण का भी संकेत दिया गया है, जो कि आने वाले वर्षों में तेजी से विकास का अनुमान लगाता है। नेपाल से 10 टन टमाटर आयात कर रहा भारत, उत्तर प्रदेश में सस्ता होगा टमाटर। खबर है कि नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NCCF ने नेपाल से 10 टन टमाटर का आयात किया है। इसमें से 3 से 4 टन पहले उत्तर प्रदेश में वितरित किया जा चुका है और 5 टन अभी रास्ते में है। वहीं उत्तर प्रदेश में टमाटर 50 रुपए प्रति किलो की रियायती दर पर बेचा जाएगा। दिग्विजय सिंह ने कहा, कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो बजरंग दल पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश में हिंदुत्व पर चल रही बहस के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने आश्वासन दिया कि अगर कांग्रेस सरकार सत्ता में आती है तो बजरंग दल पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। सिंह का यह बयान उनके सहयोगी कमलनाथ के हिंदू राष्ट्र पर दिए गए बयान के समर्थन में आया है। सिंह ने बजरंग दल के भीतर जिम्मेदार सदस्यों और परेशानी पैदा करने वालों के बीच अंतर पर जोर दिया। तमिलनाडु को कावेरी नदी से 10 टीएमसी पानी की आपूर्ति करेगा कर्नाटक। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि कावेरी नदी का 10 टीएमसी पानी पड़ोसी राज्य तमिलनाडु के लिए छोड़ा जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि कर्नाटक के जलाशय में पर्याप्त पानी नहीं है। डीके शिवकुमार ने मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे पास पर्याप्त पानी नहीं है, फिर भी हम 10 टीएमसी पानी छोड़ने जा रहे हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।